सिंगाजी ताप परियोजना के जलकुआ गेट के पास खेती कर रहे किसान के खेतों में गेहूं की फसलों की स्थिति को जानने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक पहुंचे। स्थिति देख बोले कि नुकसान हो रहा है और उत्पादन कम होगा। सिंगाजी ताप परियोजना में बिजली उत्पादन के बाद निकलने वाली राख जलकुआ गेट के पास अंदर डाली जाती है, जिसके बड़े पहाड़ बन चुके हैं और जो उड़कर किसानों के खेतों में पहुंच रही है और गेहूं की फसल की ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रही है। इसका निरीक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के करने के बाद कृषि विभाग खंडवा के वैज्ञानिक और अधिकारी भी किसानों के खेत में पहुंचे और यहां पर फसलों को देखा। उन्होंने भी माना कि फसलों की ग्रोथ कमजोर दिख रही है। किसानों ने अधिकारियों और वैज्ञानिकों को बताया कि अभी तक यह ढेर को नहीं हटाया गया है, अब हम आंदोलन की राह अपनाएंगे, हमको पूरा हट जाना चाहिए। इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने सैंपल लेकर खंडवा रवाना हुई। बूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।